नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे गांव देहात में बनने वाला एक ऐसा अचार जो आपके पेट के लिए भी फायदेमंद है और आपके खाने का स्वाद भी बढ़ाएगा। इस अचार को हम बनाएंगे लहसुन के पत्ते से। लहसुन के पत्ते का अचार गाँव में बनाया जाता है। जब लहसुन के डंठल थोड़े थोड़े सूखने लगते हैं तब इस अचार को बनाया जाता है। हो जाते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऊपर से देखिए सूख रहे हैं और नीचे से हरे हरे हैं। वाला भाग हम निकाल देंगे काट करके और ये हरा वाला भाग रखेंगे। तो पहले काट के इसको निकाल देते हैं। हम थोड़ा थोड़ा पत्ता इस तरह से लेंगे, देखिए इस तरह से। ज़्यादा पत्ते साथ में ना लीजिए, नहीं तो हरे भाग भी कट जाएंगे। तो ये जो सूखा हुआ भाग है इसी को हम काटेंगे। देखिए इस तरह से आप सूखे हुए भाग को काट करके निकाल दें। देखिए हमने सूखे भाग को निकाल दिया है काट करके, हरा वाला भाग बचा हुआ है। इसी तरह से हम सारे पत्तों को पहले काट करके रख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पत्तों को हमने काट लिया है, आप देख सकते हैं सूखा हुआ भाग हमने निकाल दिया है। अब इन पत्तों को हम धुल लेते हैं अच्छे से। हमने इसे अच्छे से धुल दिया है। धुलना जरूरी होता है क्योंकि पत्ते पर धूल वगैरह लगे रहते हैं तो उनको हटाना जरूरी है, इसीलिए पत्तों को धुला जाता है। इनको हम धूप में रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि पानी अच्छे से सूख जाए। तो हमने पत्ते को रख दिया है धूप में सूखने के लिए। अब हम आपको बताते हैं इसमें हम मसाले क्या डालेंगे। हमने ले लिया है सूखा लाल मिर्च। इस अचार में जब आप सूखा लाल मिर्च डालेंगे तो आपका अचार बहुत दिनों तक नहीं खराब होगा। साल दो साल तक अगर आप इस अचार को रखेंगे तो खराब नहीं होगा। अगर आप हरा मिर्च डालते हैं तो अचार खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं और उतने टेस्टी भी नहीं होते हैं जितना हम सूखा लाल मिर्च डालेंगे, जितने टेस्टी आपके अचार बनेंगे। तो इसीलिए हमने लाल मिर्च लिया है। अजवाइन हमने ले लिया है 1 चम्मच। 2 चम्मच है सौंफ, छोटी सौंफ है, महक बहुत ज़्यादा होता है इसमें और देसी है इसलिए हम इसको डालेंगे। धनिया है 1 चम्मच। हींग हमने ले लिया है, डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, इसको डालने से अचार में बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है। और ये हमने 2 छोटे टुकड़े लिए हैं अदरक के। अगर आप अदरक ना पसंद करते हो तो ना डालें, लेकिन इससे भी आपका टेस्ट बनेगा अचार का। तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अभी हमने इसको छील करके रखा हुआ है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है अमचूर खटाई, घर का बनाया हुआ है। आपको काला काला दिख रहा होगा क्योंकि ये साज करके हमने रखा है, 2-3 साल का है। इसको हम डालेंगे। अगर आपके पास होममेड खटाई नहीं हो तो रेडीमेड भी मिलता है अमचूर पाउडर, उसको आप डाल दें। नींबू का रस नहीं डालें इस अचार में। हमने देखिए डाल दिया था पत्ते को धूप में, कपड़े के ऊपर सूख गया है बढ़िया से। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको ले चलते हैं हम अचार बनाने के लिए। तो रख लेते हैं थाली में इसको। लहसुन के पत्ते का पानी बिल्कुल ही सूख चुका है, आप देख सकते हैं एकदम सूख चुका है। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। थोड़ा सा इस तरह से हम ले लेंगे। आप चाकू की सहायता से, हंसिए की सहायता से, पासुल की सहायता से काट सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको काट करके थोड़ा सा दिखा दें। देखिए ऐसे आपको काटना है छोटा छोटा। देखिए इस तरह से आप छोटा छोटा काट लें। सभी को हम काट लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। हमने पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने रख दिया है कढ़ाई। इसमें हमने जो मसाले लिए हुए हैं इसको डाल देंगे। पहले हम धनिया, सौंफ और अजवाइन को डाल देते हैं साथ में। मसालों में हमने जीरा दिखाना भूल गया था आपको, तो 1 चम्मच हम जीरा भी डालेंगे इस मसाले में और सबको साथ में भुना है। मसालों को हम थोड़ा ही भुनेंगे ताकि इसकी नमी चली जाए। मसालों से देखिए हल्की हल्की चिट चिट की आवाज आ रही है। अभी इस मसाले को हम निकाल लेते हैं एक दूसरे प्लेट में। अब हम कढ़ाई में डाल देंगे मिर्च को, इसको भी थोड़ा सा हम भुनेंगे। मिर्च भी हमारा हल्का सा सोंधा हो चुका है, इसको भी निकाल लेंगे अलग।
मसाले हमारे भुन चुके हैं, हल्के से ठंडे हो गए हैं। अब इनको हम पीस लेते हैं। मिक्सर जार में डाल करके हम इनको दरदरा पीसेंगे। मसाले को हमने दरदरा पीस लिया है, देखिए इस तरह आप पीसे मोटा मोटा। इसको अलग निकाल लेते हैं। इसी मिक्सर जार में हम डाल देंगे अपने लहसुन के पत्तों को। अदरक हम डाल देंगे इस तरह से छोटा छोटा काट करके। इसमें थोड़ा सा हम लहसुन की कली ले लिए हैं, इसको भी डाल देंगे। अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। थोड़ा सा आप डाल देंगे तो अचार और भी बढ़िया बनेगा। हम नमक डाल देते हैं। थोड़ा नमक डाल देने से अच्छे से पीस जाएगा। अचार में नमक ज़्यादा ही होता है तो थोड़ा ज़्यादा ही डालें। अब हम इसमें डाल देंगे अमचूर पाउडर जो हमने लिया हुआ है, इसी के साथ में हम इसको भी पीसेंगे। अब इसको हम दरदरा पीसेंगे। हमें बारीक नहीं करना है, चटनी इसकी नहीं बनानी है, केवल हमको हल्का सा मिक्सर चलाना है एक से दो बार, इतना ही, जितने में यह चटनी नहीं बने और मोटा मोटा पीसे। तो पीस करके आपको दिखाते हैं। हमने इसको पीस लिया है, देखिए इस तरह से होना चाहिए। अगर आपके पास मिक्सर जार नहीं है तो आप जो इमाम दस्ता होता है बड़ा वाला, उसमें आप इसे कूट भी सकते हैं, उससे भी यह इस तरह से कूटा जाएगा। लेकिन मिक्सर जार में डाल करके इस तरह से पीसने से बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसको निकाल लेते हैं एक दूसरे बाउल में। हमने एक बाउल लिया है, इसमें निकाल लेंगे इसको। आप देख सकते हैं ऐसे ही मोटा मोटा आपको पीसना है, आपको चटनी नहीं बनाना है, बस ऐसे मोटा मोटा आप पीसें। अब इसमें हम डाल देंगे हींग और जो हमने मसाला पीस करके रखा हुआ है उसको डाल देंगे। अब हमें डालना है सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही अचार अच्छा लगता है, यह घर का सरसों का तेल है। अगर आपका मार्केट का हो तो थोड़ा सा आप इसे गर्म कर लीजिए, उसके बाद आप अचार में डालिए ठंडा करके। लेकिन अगर घर का हो तो आप कच्चा ही डालिए। कच्चा सरसों का तेल डालने से इस अचार में बहुत ही बढ़िया सा हमारा टेस्ट आता है अचार का। तो हम कच्चा ही डाल रहे हैं, इसमें कच्चा ही तेल पड़ता है। मिला देंगे सभी को। इस अचार में बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता है। दोस्तों अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम ले लेंगे एक जार। हमने इसको अच्छे से धुल करके धूप में सुखा लिया है, बहुत ही साफ है, जरा सा भी नमी नहीं है इसमें। इसमें भर देते हैं अपने जार को। जिस भी जार में आप अचार रखें बहुत ही साफ से धुलें उसको और धूप में सुखाकर ही उसमें अचार रखें ताकि आपका अचार खराब नहीं होए। हमने इसे जार में भर दिया है, इस तरह से आप जार में भरिए और इसे 2 से 3 दिन तक आप धूप में रखिए। ऊपर से आप सूती कपड़ा लगा करके बांध दीजिए। 3 दिन बाद इसका टेस्ट आ जाएगा अचार का।